नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग सरकारी विभागों से वैकेंसी आया है, तो आइए जानते हैं वैकेंसी और देखते हैं पूरे डिटेल में। तो सबसे पहला जो वैकेंसी आया है वो है हेडक्वार्टर बंगाल सवेरिया से कोलकाता एरिया, और यहाँ पे जो पोस्ट है पोस्ट का नाम है MTS। टोटल पोस्ट इसमें है 9 और इसमें पूर्व सैनिकों के लिए भी वैकेंसी है और इसमें जनरल के लिए, जनरल एक सर्विसमैन के लिए एक ही वैकेंसी है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैट्रिकुलेट चाहिए। उसके बाद एज लिमिटेशन एज पर, और सैलरी इसमें क्या है, सैलरी लेवल 1 का पे रहेगा। एज रिलैक्सेशन है पूर्व सैनिकों के लिए। अपर एज लिमिटेशन भी है SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। अब देखते हैं अगला वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुपति। ये तिरुपति कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ जो वैकेंसी आया है, दो वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट नेचर का ये जॉब है। यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सैलरी अच्छी खासी है, 75,170 रहेगा। इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए और मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने सुपरवाइजिंग पोजिशन इन लेवल 10 एंड अबव इन आर्मी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से जो रिटायर किए हैं लेवल 10 के, वो इसमें कर सकते हैं, यानी JCO ऑफिसर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला वैकेंसी है, नेक्स्ट वैकेंसी है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का। नंबर ऑफ पोस्ट है 2। सैलरी कितना है, सैलरी है 47,440। एक सर्विसमैन, कोई भी एक सर्विसमैन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप टू द रैंक ऑफ हवलदार एंड अबव। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये अप्लाई ऑनलाइन होगा और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका है एडवर्टीजमेंट नंबर। अब इसका लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2022। और इसके लिए जो CBT का शेड्यूल्ड है वो है, CBT शेड्यूल्ड कब है, जनवरी 2023 में ही CBT होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का नाम है जूनियर क्लर्क, यानी क्लरिकल वैकेंसी है। एक सर्विसमैन के लिए कितना पोस्ट है, इसमें एक ही पोस्ट है। और उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए सैलरी तो इसमें बहुत बेहतरीन है, 83,600 यानी 83,600 तक रहेगा सैलरी। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएट विथ DCA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 साल का होना चाहिए। तो ये वैकेंसी। उसके बाद है अगला एम्स, यानी एम्स दिल्ली के लिए वैकेंसी है और इसमें काफी सारे पोस्ट हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोस्ट वो क्या है, सिक्योरिटी कम फायर सिक्योरिटी Grade 2। इसमें टोटल 35 पोस्ट हैं पूर्व सैनिकों के लिए। और कौन कौन से हैं, इसमें आर्म फोर्सेस यानी तीनों सेनाओं के तो पूर्व सैनिक अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के पूर्व सैनिक, पूर्व जो हैं रिटायर्ड, वे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। और इसमें ये भी है, सबसे पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, CBT होगा यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद Stage 2 में होगा फिजिकल टेस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। मैट्रिकुलेट इसमें चाहिए, यानी 10th पास होना चाहिए कोई भी पूर्व सैनिक, चाहे वो पैरामिलिट्री से हो, पुलिस से हो या डिफेंस आर्म फोर्सेस से हो, अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो रहा है इसके लिए। अगला पोस्ट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और पोस्ट का नाम है जेल बंदी रक्षक यानी जेल वार्डन। इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए 5 दिसंबर 2022। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है इसके लिए, जो अब इसमें दो टाइप का पोस्ट है, जेल बंदी रक्षक और महिला जेल बंदी रक्षक। दोनों में लेवल 3 का सैलरी रहेगा, यानी 69,100 तक का सैलरी इसमें रहेगा दोनों के लिए। देखिए एक में है जेल बंदी रक्षक के लिए 214 पोस्ट और महिला जेल बंदी रक्षक के लिए 24 पोस्ट है। अब इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है, अपने अपने कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। और अगर पूर्व सैनिकों की बात की जाए तो यहाँ पूर्व सैनिकों के लिए 9 पोस्ट यहाँ रिजर्व है। अब इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन इंटर चाहिए। इसके बाद ये सब जो फिजिकल इवेंट्स हैं वो चेक कर सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो ये था पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक है, अप्लाई लिंक है, नोटिफिकेशन लिंक है, आराम से उसको पढ़ के और अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये था वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग विभागों से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करते हैं कीजिएगा। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।